सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान टेक सीरीज फ्रेंड। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप पेटीएम का एप्लीकेशन यूज करते हैं तो पेटीएम के एप्लीकेशन में आपको ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आपको बैंक ट्रांसफ़र पैसे करना हो या फिर मोबाइल में रिचार्ज करना हो, ट्रेन टिकट बुक करना हो, लेकिन आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो वहाँ पर आपको ढेर सारे ऑफ़र मिलते हैं, लेकिन वो ऑफ़र आपको लाभ नहीं मिल पाते। वो कब तक आप उस ऑफ़र का मज़ा नहीं ले पाते? जब तक आपकी पेटीएम KYC कंप्लीट ना हो। तो आज किसी वीडियो में बताऊँगा कि आपको घर बैठे अपने पेटीएम की KYC कैसे करनी है बिल्कुल फ्री तरीके से। तो इस वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आपको अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसके आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। आपको जाना सबसे अपने पहले प्ले स्टोर में। आपको प्ले स्टोर में यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च करना है पेटीएम। आपके फ़ोन में अगर पेटीएम का एप्लीकेशन नहीं हो तो आपको सबसे पहले पेटीएम का एप्लीकेशन करना होगा डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली से इंस्टॉल करके आपको कर लेना है ओपन। जैसे आप पेटीएम के एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर हर जगह ऑल इंडिया में पेटीएम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे पेटीएम का यूज़ करना बहुत ही बेनिफिट है और बहुत सारे ऑफ़र भी आपको मिलते रहते हैं। आपको सिंपली ऊपर से लॉगिन टू पेटीएम में क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर लिखा है लॉगिन एंड क्रिएट न्यू अकाउंट। जिसका ऑलरेडी लॉगिन है उसको तो पता है, जिसका अगर नहीं अकाउंट बना है तो अकाउंट कैसे बनाना है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये भी आप मेरे चैनल में जाकर 3-4 दिन पहले की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बताया है कि पेटीएम में अपना अकाउंट कैसे बनाए, या फिर मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा इसका लिंक, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। अब यहां पर मैं सिंपली फिर लॉगिन में क्लिक कर दूंगा। लॉगिन में क्लिक करने के बाद यहां पर मेरा नंबर आ चुका है और सिंपली से यहां पर प्रोसीड में क्लिक कर दूंगा। जैसे प्रोसीड में क्लिक करूंगा यहां पर लिख क्या रहा है, वेरीफाई मोबाइल नंबर, इंटर OTP। यहां पर जो नंबर आपने डायल किया उस नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है। यहाँ पर मैं उस पासवर्ड को डाल देता हूँ और सिंपली से कंफर्म में क्लिक कर दूँगा। जैसे ही कंफर्म में क्लिक करूँगा यहाँ पर वेरीफाइंग योर डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपको अपना बैंक ऐड करना है तो आपको सेलेक्ट करना होगा अपना स्लॉट के फर्स्ट में सिम है आपकी है या सेकंड में है। अगर इसमें फ़ोन में नहीं पड़ी है तो सिंपली आप ऊपर से यहाँ पर लिखा स्किप, तो आपको स्किप में क्लिक करना है। यहाँ पर मैं स्किप में क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने पेटीएम के एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ, मेरा ऊपर नाम आ चुका। आपको ऊपर अपने नाम में क्लिक करना है। जैसे आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम आ चुका है। प्रोफाइल एंड सेटिंग लिखिए, आपको यहाँ पर सिंपली से प्रोफाइल एंड सेटिंग में क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल एंड सेटिंग में क्लिक करेंगे यहाँ पर देख लिखा है पेंडिंग KYC, आपकी KYC यहाँ पर पेंडिंग है। अगर KYC करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा है अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए लोडिंग लेगा, और लोडिंग होने के बाद आपका जो KYC का फॉर्म है वो पूरा यहां पर ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको दो से तीन चीज़ें मिल रही हैं आपको KYC करने के लिए, कई सारे ऑप्शन मिल जाए, तो वैसे आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे उसी ऑप्शन में आप क्लिक करके आप इसको आगे कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते लिखा है अपग्रेड टू फुल KYC इन जस्ट 2 मिनट, आपको सिंपली से इसी में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है कि आधार वेरिफिकेशन, अगर आपके पास आधार कार्ड है और अपने आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तभी आप इससे आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आधार वेरिफिकेशन, अगर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप यहां पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहां पर आपका नियर बाई KYC पॉइंट होना चाहिए, यहां पर लिखा है नियर बाई KYC पॉइंट अगर है तो इसमें क्लिक करिए। अगर नियर बाई KYC पॉइंट भी नहीं है तो आप नीचे आप ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर लिखा है आधार वेरिफिकेशन एट योर डोर स्टेप। यहाँ पर क्या होगा कि अपने आधार कार्ड से करेंगे ज़रूर, लेकिन आपके घर में KYC करने के लिए एक लड़का आएगा जो कि आपका फ्री में चार्ज है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी है फ्री नो चार्ज टू डोर स्टेप सर्विस। तो आपका अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो सबसे ऊपर में क्लिक करें आधार कार्ड में, अगर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप थर्ड में आके क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपना मकान नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना एरिया डालना है, और यहाँ पर अपना लैंडमार्क जो भी आप डाल सकते हैं, पूरा एड्रेस, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है,
नीचे आने के बाद पिन कोड के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अल्टरनेट नंबर जो भी आपका है यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर अल्टरनेट नंबर नहीं है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको सिंपली से प्रोसीड में क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए क्या रहा, प्लीज़ इंटर वैलिड नेम। यहाँ पर ऊपर आपको वैलिड नेम जो आपका सही है वो डाल के आपको सिंपली से यहाँ पर आपको नीचे कन्फर्म में क्लिक करना है। यहाँ पर मैं सब सिंपली से यहाँ पर डाल देता हूँ नाम जो भी आपका है। नाम डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर हाफ नंबर आपको सही दान डालना है, जो भी आपका हाफ नंबर है। बिल्डिंग आपको चूज कर लेनी है, जो भी आपकी बिल्डिंग है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बिल्डिंग का नाम, और आपको नीचे आपको ये देना है कि जो भी आपके आधार कार्ड में इंटर है वही चीज़ आपको यहाँ पर आधार कार्ड में जो लिखा है वही आपको यहाँ पर डालना है। अब यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आपकी है एरिया वगैरह सारे एक बार दोबारा कन्फर्म कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर और कुछ सेक्टर वगैरह है तो सेक्टर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो भी आपका सेक्टर है। और यहाँ पर आपको फिर सीधे प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिख क्या रहा है, सेलेक्ट अनदर एड्रेस या फिर वेरिफिकेशन योर नियर पॉइंट। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करके आपको आगे इसको बढ़ा देना है। यहाँ पर मैं देख सकते हैं यहाँ पर आपको KYC पॉइंट में क्लिक करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद यहाँ पर लिख क्या रहा है, नियर बाई KYC पॉइंट। आपको ओके में क्लिक करना है। यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे तो आपके लोकेशन के हिसाब से आपके पास ही KYC फिल्टर वाला आएगा और आपके घर में वेरिफिकेशन करके जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने KYC पॉइंट को पता करना तो आपको यहाँ पर अपने लोकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आपके एरिया में जितने भी KYC पॉइंट हैं यहाँ पर उनका एड्रेस, उनका कॉल, यहाँ पर उनका नंबर भी लिखा है, यहाँ पर उनका डिस्टेंस है, उनको आप कॉल करके जो उनके पास जा सकते हैं या फिर आप उनको घर बुला सकते हैं। तो ऐसे ही आपको घर बैठे अपने KYC को करना है पेंडिंग को कम्प्लीट, आप ऐसे ही फ़ायदे उठा सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।